हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू राइट एन आर्टिकल ऑन वीमन एम्पावरमेंट. डियर स्टूडेंट्स, वीमन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बेसिकली अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑन दिस टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर राइटिंग और बिफोर टीचिंग यू हाउ टू राइट एन आर्टिकल ऑन women empowerment, I want to disclose something that is on the best of your queries. Dear students, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि article and paragraph writing both are similar activities. Article और paragraph writing दोनों एक प्रकार से similar activities है. 12th class में किसी टॉपिक विशेष पर राइटिंग आर्टिकल पूछा जाता है और 10th क्लास में किसी टॉपिक विशेष पर पैराग्राफ राइटिंग पूछी जाती है या राइटिंग पैराग्राफ पूछा जाता है. डियर स्टूडेंट, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन एन आर्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए पैराग्राफ राइटिंग ऑल्सो. सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको उस आर्टिकल की तीन चार लाइन कम लिखनी है बिकॉज दे आर आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन 60-70 वर्ड्स वाइल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास आर आस्क्ड टू आंसर और टू राइट एन आर्टिकल इन ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स. बाकी मैटर सेम है दोनों का. इसलिए 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस मैटर में से थोड़ा सा मैटर हटा देंगे, कुछ जो टॉपिक विशेष पर अपन लिखते हैं उसमें से कुछ मैटर को हटा देंगे तो उनकी तीन चार लाइन कम हो जाएगी, वो पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी और 12th क्लास के स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे इसको तो उनका आर्टिकल राइटिंग हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज वीमन एम्पावरमेंट. वीमन एम्पावरमेंट तो देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखा वीमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण. इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण. एन आर्टिकल बाय रिया शर्मा. एन आर्टिकल बाय रिया शर्मा. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दिस इज वीमन एम्पावरमेंट नॉट वुमन एम्पावरमेंट. क्योंकि आप सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोनंसिएशन जो होता है, प्रोनंसिएशन जो भी अपन किसी वर्ड का करते हैं तो उसमें उच्चारण का बहुत बड़ा रोल होता है. जब वुमन लिखा जाता है तो वो सिंगुलर वर्ड होता है, डब्ल्यू ओ एम एन. इसको आप जब प्रोनंस करेंगे तो ये होगा आपका वुमन. और जब ये प्लूरल लिखा जाता है डब्ल्यू ओ एम ई एन, देन इट विल बी प्रोनंस्ड एज वीमन नॉट वुमन. ध्यान रहे इस बात का. तो अवर टूडेज टॉपिक इज वीमन एम्पावरमेंट एन आर्टिकल बाय रिया शर्मा. ये रिया शर्मा के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है और नाम है महिला सशक्तिकरण. देखिए, वीमन एम्पावरमेंट मैं यदि लिखूं, वीमन एम्पावरमेंट is the need of present age. Age because
man and because a man and a woman both are two faces of a coin. क्योंकि औरत और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एंड वन विल बी इनकम्प्लीट विदाउट अनादर. और एक दूसरे के बिना अपूर्ण होगा, एक दूसरे के बिना अपूर्ण होगा. दोनों क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं. जिस प्रकार से एक सिक्के के लिए दोनों चेहरों का होना जरूरी है, उसी प्रकार से किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी गांव में या किसी भी कस्बे में पूर्ण डेवलपमेंट के लिए, सही विकास के लिए दोनों का होना आवश्यक है. दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है. नो नेशन कैन बी अ डेवलप्ड नेशन without women participation. without women participation कोई भी राष्ट्र बिना महिला की भूमिका के, बिना महिला के पार्टिसिपेशन के डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता. डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकता. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वुमन can never be neglected. और देखिए, we all know the contribution of women like Rani Lakshmibai, Indira Gandhi, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज,
यहां एंड वर्ड यूज कर लेंगे अपन, सुषमा स्वराज एंड मैनी अदर्स इन हवर हिस्ट्री। वी ऑल नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमन लाइक रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज एंड मैनी अदर्स इन आवर हिस्ट्री। हमारे इतिहास में इन महिलाओं के योगदान को हम जानते हैं, इन महिलाओं के योगदान को हम जानते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, अ वुमन कैन प्ले बिग रोल देन अ मैन इन द डेवलपमेंट ऑफ not only society, village, society, village, or town, but also a nation, because they have stronghold on their families, they can motivate family members or their children to come forward to play building of a nation. To come forward for building of a nation.
so we must pack steps toward women empowerment we must give women good education and better opportunities to grow in society so that our nation can walk with step to step with other developed countries in the world. Dear students, this is an article on women empowerment. देखिए क्या लिखा अपन ने. Women empowerment is the need of present age. महिला सशक्तिकरण आज की आवश्यकता है, आज के युग की आवश्यकता है. Because a man and woman both are two faces of a coin. क्योंकि एक महिला और एक पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. एंड वन विल बी इनकम्प्लीट विदाउट अनादर, और एक के बिना दूसरा अपूर्ण होगा. यानी वुमन के बिना मैन अपूर्ण होगा, और मैन के बिना जो वुमन है वो अपूर्ण होगी. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वुमन कैन नेवर बी नेग्लेक्टेड. इसलिए औरत का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसको कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. वी ऑल नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमन लाइक रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज एंड मैनी अदर्स इन आवर हिस्ट्री. हम रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज जैसी महिलाओं का योगदान हमारे इतिहास में जानते हैं कि व्हाट इंपॉर्टेंट रोल दे प्लेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ आवर नेशन ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारे देश को पहचान दिलाने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी. A woman can play big role than a man in the development can play यहां bigger role कर लो, क्योंकि अपन ने comparative degree का प्रयोग किया है. Can play a bigger role than a man in the development of not only a society, village or town but also a nation.
एक औरत न केवल समाज, गांव, कस्बे बल्कि देश के विकास में व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। क्या? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन देयर फैमिलीज, क्योंकि उनकी अपने परिवारों पर अच्छी पकड़ होती है। दे कैन मोटिवेट फैमिली मेंबर्स अदर और देयर चिल्ड्रन टू कम फॉरवर्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ अ नेशन। वे अपने परिवार के सदस्यों को और साथ साथ अपने बच्चों को देश के निर्माण के लिए आगे आने का आह्वान कर सकती है। न चाहते हुए भी जो बच्चे या जो मेंबर्स, जो मैन हैं, जो देश के संदर्भ में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, वे उनको मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि उनकी फैमिलीज पर स्ट्रांग पकड़ होती है, मजबूत पकड़ होती है। सो वी मस्ट टेक स्टेप टुवर्ड्स वीमन एम्पावरमेंट। इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम उठाने चाहिए। वी मस्ट गिव गुड एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन सोसाइटी। वी मस्ट गिव देम, एक वर्ड और यूज कर लो यहां, देम। हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और समाज में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्रदान करने चाहिए, सो दैट आवर नेशन कैन वॉक स्टेप टू स्टेप विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ताकि हमारा देश दूसरे विकसित देशों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल सके। यानी कि डेवलपमेंट के इस युग में, विकास के इस युग में हमारा जो देश है वो वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कदम ताल कर सके। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर। आई वुड लाइक टू से वन थिंग ऑल्सो, दैट वी ऑल नो अबाउट दिस कोरोना क्राइसिस। डियर स्टूडेंट्स, इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी मस्ट वर्क हार्डर देन वी यूज टू डू। Why? Because it's our responsibility to achieve our target. I think you all are doing well, and thanks a lot for today. See you tomorrow.